ये जो ट्रेल इन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है कि एक पूरे इलाके के अंदर जो टूरिस्ट आएगा वो अगर वहाँ रोहतास से शुरू करेगा तो टिल्ला जोगिया जाएगा और फिर इधर आएगा और फिर आगे, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है उसके लिए जब तक आपने कोई अच्छी जगह ना रहने की हो, उसके लिए उसका कोई ध्यान ना रखे, तो टूरिस्ट नहीं आएगा। जो दुनिया में जिधर टूरिज्म है, मसलन स्विट्जरलैंड है, श्रीलंका के अंदर है, मलेशिया में है, तुर्की में है, ये बकायदा टूरिस्ट का ध्यान रखते हैं, मुकामी लोग रखते हैं। क्यों? इलाके का फायदा होता है। जब टूरिज्म कामयाब होती है तो मुकामी लोग उसको कामयाब करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आपको पहले तो ये गाँव को हम एक मॉडल विलेज बनाए और फिर बाकी सहूलतें दे ताकि टूरिस्ट आए, कहीं ठहरे या पैसा खर्च करे, लोगों को सारे इलाके को फायदा हो। अब पाकिस्तान में हर जगह हर किस्म के जो हमारे टूरिज्म के इलाके हैं उनको अब हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये भी फैसला किया आप इस गांव का, दुनिया की तारीख में पहली दफा किसी ने दुनिया को मेजर करने की कोशिश की थी उधर से। कमाल चीज ये है कि जितनी एक्यूरेसी से नतीजा निकाला था अलबरूनी ने वहां रह के पता नहीं कितने साल, वो आज भी दुनिया मानती है कि तकरीबन वो एक्यूरेट था, यानी हजार साल पहले उसने किया था। तो ये बड़ी खास जगह है दुनिया की। 400-500 साल के बाद यूरोप के अंदर शुरू हुआ था ये सिलसिला, जो कि यहाँ पहले अलबरूनी ने इधर नंदना फोर्ट में आके किया था। लिहाजा इसको पूरा डेवलप करेंगे, ये दुनिया के मैप पे आ जाएगा, सारे इलाके के अंदर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तो मैंने आखिर में आपको ये कहना था कि ये जो अब से जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये सिर्फ फायदा इंशाल्लाह सबसे ज्यादा आपको होगा और फिर सारे हमारे मुल्क को फायदा होगा। यहाँ लोग आके सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि लोग आके ठहर सकते हैं, उसके भी हम आपके लिए प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम इंतजाम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, सस्ते कर्जे देंगे ताकि आप इसको और बिल्ड कर सकें।